सुई में धागा डालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, खास करके जिनकी नज़र बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। पर आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप सुई में आसानी से धागा डाल सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पांच तरीके से मैं बताने वाली हूँ। बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मिसेस सुचित्रा पांडे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तरीके में हमें एक नेल पेंट लेना है। नेल पेंट किसी भी कलर का ले सकते हैं जिसका यूज हम धागा डालने के लिए करने वाले हैं। धागे का एक छोर लेंगे और उस पर नेल पेंट लगा लेंगे और थोड़ा सूखा लेंगे। ये देखिए, मैंने नेल पेंट लगा लिया है और उंगलियों से थोड़ा सा घुमा देंगे धागे को जहाँ हमने नेल पेंट लगाया है। जो एक्स्ट्रा पेंट होगा वो निकल जाएगा और धागे में बिल्कुल थोड़ा सा पेंट रह जाएगा। आप चाहे तो ऐसा हथेलियों पर भी छोड़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आगे से धागा सख्त हो जाएगा। आप इसे बहुत ही आसानी से अपने सुई के अंदर डाल सकते हैं। देखिए कितने आसानी से सुई के अंदर धागा डाल पाए। आई होप ये तरीका आपको पसंद आया होगा। चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा तरीका सुई में धागा डालने का। दूसरा तरीके के लिए एक पेस्ट लेंगे। पेस्ट कोई भी ले सकते हैं। पेस्ट को इस तरह से उंगली में लगाएंगे और धागे के आगे वाले सिरे पर लगाएंगे। जैसे हमने नेल पेंट लगाया था, पेस्ट लगाने के बाद इसे थोड़ी देर सूखने देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि धागे का आगे का सिरा सख्त हो गया है और फिर देखिए सुई में कितनी आसानी से आप धागा डाल पाएंगे। आई होप आपको मेरा यह दूसरा तरीका भी पसंद आया होगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा तरीका। ये देखिए, ये जाला निकालने वाला है। इस तरह के प्लास्टिक के झाड़ू भी ले सकते हैं। मेरे पास झाड़ू नहीं है, ये जाला उतारने वाला है। आपके घरों में भी ये आसानी से मिल जाएंगे, सबके घरों पे होता है। अब इसमें से मैं एक बाल मैं अपनी कैंची की मदद से काट लूँगी। ये देखिए, ये जो जाला निकालने वाला है इसके जो प्लास्टिक के बाल्स हैं उस पे से एक बाल मैं कैंची की मदद से काट लूँगी। ये तरीका भी बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा। बिना पैसे खर्च किए हुए जुगाड़ कर सकती हैं। मैंने एक बाल को कैंची से कट कर लिया। अब मैंने एक बोतल की ढक्कन लिया है। आप कोई भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं प्लास्टिक का। प्लास्टिक के इस ढक्कन को चाकू की हेल्प से बीच में कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम जो झाड़ू का बाल लिया है उसे मोड़ लेना है। झाड़ू के बाल को इस तरह से मोड़ लेना है। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा लंबा रख सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखी हूँ। एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे कैंची की मदद से और इसे ढक्कन में फंसा लेंगे जहाँ कट लगाया था। ये देखिए, इस तरह से फंसा लेंगे और इसके पीछे थोड़ा सा टेप कट करके चिपका लेंगे। चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस टेप के कट कर लिए हैं और इसे अब मैं ढक्कन में चिपकाऊंगी इस तरह से। टेप चिपकाने के बाद ये बिल्कुल हिलने वाला नहीं है, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ इसे सुई में धागा किस तरह से डालना है। ये देखिए, जो प्लास्टिक का बाल है वो ढक्कन में बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाती हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने इसे धागा डालने के लिए कैसे इस्तेमाल किया है। ये देखिए, मैं सुई में झाड़ू के बाल को घुसाने के बाद झाड़ू के बाल में धागा डाल देंगे और उसे खींच लेंगे और सुई को इस तरह से खींच के निकाल देना है। आप देख सकते हैं कि आप कितना ईजली से सुई में धागा डाल सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदना है, बस केवल प्लास्टिक का ढक्कन और प्लास्टिक का बाल चाहिए जो कि आपको घर में आसानी से मिल जाएगा। झाड़ू का नहीं हो तो पुरानी साड़ी के पीको की तार जो निकलती है उसे भी आप इस्तेमाल करके ऐसा बना सकते हैं। आई होप ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा। ऐसे इस तरह का मार्केट में भी बना हुआ मिलता है, आप चाहें तो मार्केट से भी खरीद कर यूज कर सकते हैं। लास्ट एक तरीका और है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे टेप लिया है, इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे। यह तरीका भी बहुत अच्छा है। अब धागे के आगे के सिरे को टेप के ऊपर रखेंगे और टेप को पलट देंगे और एक्स्ट्रा टेप को कट कर देंगे और धागे को उंगलियों की मदद से मसलते हुए धागे को चिपका लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा टेप है उसे सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि धागे का आगे का सिरा बिल्कुल नोक सा बन जाएगा जिससे सुई में धागा आसानी से डाल सकते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि सुई में धागा किस तरह से डाल सकते हैं। ये देखिए कितने आसानी से आप डाल सकते हैं सुई में धागा। आई होप ये तरीका भी आपको बहुत पसंद आया होगा।
इस सारे तरीके में कौन सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।